ये जो आपके हाथ में नोजल है इसके बारे में मुझे बताएं कि ये क्या काम आता है, किस चीज़ का नोजल है और पेस्ट कंट्रोल में ये जो है किस लिए उपयोगी है। देखिए ये नोजल है, ये हम लोग पंप के आगे लगाते हैं ताकि जब हम लोग फिल करते हैं दीवार में एक एक फीट की दूरी पे 4 से 5 इंच अंदर, तो हम लोग इस नोजल को केमिकल डाइवर्ट ना हो इस नोजल को छेद में डाल देते हैं सीधा और उसमें केमिकल धीरे धीरे स्प्रे करते हैं ताकि ऐसा ना हो जाए कि लड़ के वापस आ जाए। केमिकल धीरे धीरे जाता है, वापस निकाल के ऐसे करके 3-3, 4-4 राउंड डालते हैं। और मैं मैक्सिमम लकड़ी में ज़्यादा यूज हो सकता है इसका, क्योंकि लकड़ी में बहुत लकड़ी वाला बिट जो होता है बहुत छोटा होता है, 3 इंच का होता है, तो उसको ऐसे ड्रिल करके उसमें ज़्यादा बेटर काम करेगा, काम दीवार वाले में भी करेगा, इसमें भी, इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि या तो इसमें नीडल सिरिंज से करें या तो फिर इससे बहुत अच्छा है इससे। अच्छा, इस जो आपके हाथ में ये यंत्र है इसका इस्तेमाल आप पहले से कर रहे हैं कि? नहीं, पहले इसका हमने नहीं किया, अब हाथ में पहली बार ले रहे हैं, लेकिन जो इसके इसके अलावा जो है उसमें आता है ऑप्शन कि आप उसको या तो फुहारे टाइम में कर लो या तो स्ट्रेट वाले में, तो स्ट्रेट वाले से उससे भी काम हो सकता है, लेकिन ये है थोड़ा और सहूलियत हो जाता है सीधा कि केमिकल डाइवर्ट ना हो। ठीक है, तो मिस्टर रविंद्र जी आप ये बताइए, ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या नॉलेज गेन किया आपने, थोड़ा शेयर कीजिए, पब्लिक चाहती है कि आप शेयर करें। मैं रविंद्र यादव पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे हूँ और हमने आज मार्केटिंग भी सीखा और 4 दिन से पूरा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। कॉकरोच का हो गया, दीमक का हो गया, वुड बोरर का हो गया, मक्खियों का हो गया, और हमने घरों में तो किया ही किया लेकिन बड़े बड़े साइटों पे किया, जैसे अर्था हो गया, उनकी 3-4 कॉम्प्लेक्स थे, बड़ा सा एरिया था, वहाँ पे जा के प्रैक्टिकल दिमाग किया, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आपसे इन्होंने जो है ट्रेनिंग के नाम पे कितने रुपए लूटे? ट्रेनिंग के लूटने की बात नहीं है, इन्होंने तो बस प्यार लुटाया हमारे ऊपर, ट्रेनिंग का तो कोई पैसा नहीं लिया है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि सर कुछ दिन में ट्रेनिंग का व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें कि 1 हफ्ते के लिए आप लोग को आना, रहना, खाना पीने का व्यवस्था हो, कुछ चार्जेबल होंगे जो कि ज़रूरी है क्योंकि आपका रहने खाने का व्यवस्था करना है, सर के भी कुछ खर्चे आएंगे, तो कुछ चार्जेबल हैं लेकिन वो ज़रूरी है। मतलब आपको लगता है कि जो है पेस्ट कंट्रोल की ट्रेनिंग की आवश्यकता लोगों को है? तो है ही, हर समय समय पर है, और लोगों को जितनी बड़ी बड़ी साइटें पर जाएंगे और कॉन्फिडेंस आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत लोग कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल, लेकिन हो सकता है उनका छोटे छोटे साइट हो, केवल रेस्टोरेंट हो और होटल वोटल हो छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पे तो बड़ी बड़ी साइटें हैं कि बिल्डिंगों में जा के करना है। नहीं, जिन लोगों ने लाइसेंस ले रखा है, हापुड़ से ट्रेनिंग ले रखी है, मैसूर से ट्रेनिंग ले रखी है, उनके पास टेक्निकल, उन्होंने लाइसेंस लिया है, टेक्निकल मैनेजर को रखा हुआ है, 1-2 साल से वो काम भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी कौन सी समस्या है उनके पास या कौन सा ऐसा इंसेक्ट पेस्ट है जिसको वो सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, और क्या आवश्यकता है कि वो हमारे पास आकर के ट्रेनिंग ले, जबकि हमारी ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट से कहीं कोई लाइसेंस भी नहीं बनता है? देखिए, हापुड़ में जहाँ तक हमें मालूम है, हापुड़ में आपको मैक्सिमम केवल फूड ग्रेन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे फूड को प्रोटेक्ट करना है, अनाज उनाज को, और वहाँ पे पेस्ट के बारे में तो आपको एकदम ना के बराबर ही बताया जाएगा कैसे कंट्रोल करना, दीमा कॉकरोच एकदम ना के बराबर, उतना तो आप जानते ही होंगे जितना बताया जाता है। और रहा बात यहाँ पे सर की ज़रूरत, तो सर की भले से डिग्री कहीं काम में ना आए या सर्टिफिकेट कहीं काम में ना आए, लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो 4-5 आपके साथ 10 और लोगों का ग्रुप रहेगा, तो उनसे आप जानेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, सर से आप पूछ भी सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंसेक्ट है भी लेकिन वो पता ही नहीं होता है, लोगों को नाम तक नहीं मालूम होता। तो वहाँ जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है, क्या उसमें आपको जो है प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ दिया जाता है मटेरियल, कितना प्रैक्टिकल कराते हैं? हापुड़ में तो प्रैक्टिकल केवल फूड वाला ही होता है, ग्रीन मतलब अनाज उनाज को ही प्रैक्टिकल बताया जाता है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं केवल दिखाया जाता है कैसे कैसे लोग प्रैक्टिकल मतलब जाके वो अनाज भंडार दिखा देंगे आपको, और मैक्सिमम थ्योरी होता है, तो आप नहीं, जो मशीनें आपके जो हैं वो यूज में आती हैं, डेली यूज में मशीनें आती, उसके बारे में नहीं बताया जाता। उसकी कोई खोल बांध या उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे चलाते हैं, उसका कोई प्रैक्टिकल ना कुछ भी नहीं करा? पेस्ट कंट्रोल से लगभग ना के बराबर ही कराया जाता है, इतना आप मान के रहे,
ये मान के रखिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि 15 दिन की ट्रेनिंग से हम पेस कंट्रोल का अपना धंधा शुरू करवाएंगे, तो आप एकदम बिल्कुल गलत राह पे हैं, गलत फहमी में हैं। उससे उस 15 दिन की ट्रेनिंग से तो आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा और पेस कंट्रोल के बारे में तो जान भी नहीं पाएंगे आप। अच्छा, आपने बाकी कुछ कंपनियों को अप्रोच किया था यहाँ आने से पहले जो है कि ट्रेनिंग चाहिए, मैं उनके नाम नहीं जो है लेना चाहता हूँ, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ में जो ट्रेनिंग के लिए आपको फ़ोन कर रहे थे? हमने बहुत लोगों को अप्रोच किया कि हमें आप एक हफ्ते के लिए, महीने भर के लिए ट्रेनिंग करने दीजिए, जो कि बाहर से थे, मतलब हमारे यूपी से भी बाहर बाहर थे। तो बहुत लोग तो कराने के लिए तैयार थे, लेकिन पैसा सब लोग मांग रहा था। ये था कि जैसे एक लोग थे नोएडा के, तो उनका भी उनका कहना था कि आप आके करो एक महीना, लेकिन उसके पैसे मांग रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो आप बहुत लोग पैसा मांग रहे थे, लेकिन बहुत लोग कराने के लिए भी तैयार थे। तो अभी कुल मिला के मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप जो है लाइसेंस निकाल चुके हैं, यहाँ आप ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, जो ज्ञान हम दे सकते थे मैक्सिमम हमने देने की कोशिश भी की है, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस इतना हो गया है कि अब आप अकेले बिजनेस कर पाएंगे? बिल्कुल, और काम तो ये देख के मिल, आपके यहाँ आने से ये पता चलता है कि काम तो है। जैसे लोग कहते हैं कि काम ये डाउन मार्केटिंग जा रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। बद लोग कहते हैं कि जैसे कि अब लोग हो जाता है कि वाटर प्रूफ दीमक वाला प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा, में ऐसा है नहीं। लोग बिल्डिंग बनने से पहले भी कराते हैं और बिल्डिंग बन जाने के बाद भी कराते हैं, कॉकरोच, चूहा, चूहा और कीड़े मकोड़े, इन सब का तो काम है ही हर बिल्डिंग में। बिल्डिंग बनने के पहले भी दिमाग का काम होता है, बिल्डिंग बनने के बाद भी दिमाग का काम होता है, उसके बाद तो बिल्डिंग बन गया तो उसके बाद और भी काम आ जाएंगे। बिल्डिंग पहले बनने के केवल दिमाग का काम रहेगा, लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद उसमें सारा पेश का काम आ जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे जो वीडियो में बताते हैं कि ये बिजनेस कर लो, इस तरीके से कर लो, 1 करोड़ कमा लोगे साल में, 10 करोड़ कमा लोगे, यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे, हवाई जहाज में उड़ोगे, कितनी सच्चाई है इस बिजनेस को लेकर के, कितना प्रॉफिट मार्जिन है और कितनी बड़ी कंपनी हो जाती है एक साल में? एक साल में बड़ी कंपनी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कस्टमर को ला रहे हो। और एक साल में अगर आप हवाई जहाज में घूम रहे हो, तो किसी भी बिजनेस में तो आप ये सपना देख के तुम रहते ही आओ कि एक साल में तुम हवाई जहाज में लग रहे हो घूमने, या तो आपका कुछ और होगा तो आप घूम रहे हो, नहीं तो एक साल में किसी भी बिजनेस में कैसे हवाई जहाज से घूम रहे हो। अच्छा, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, यदि वो पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनके मोटिवेशन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अगर करना चाहते हो तो करो, क्योंकि काम तो बहुत है और जितना शहरीकरण होगा उतना काम बढ़ता ही जाएगा, काम कम होने वाला नहीं है, और भी लोग आएंगे। आप नहीं करोगे कोई और करेगा, आपका काम कोई और करेगा, तो आप ये सोच के सुनो ना कि आप नहीं आओगे तो कोई ना कोई तो फील्ड में है और लोग आ भी रहे हैं, तो आप आओ या कोई और आए, आपको डिसाइड करना है कि कौन आए। ठीक है, मैं अपने व्यूवर्स को यही कहूँगा कि ये इनके जो हैं अपने निजी विचार हैं, और हमने जो क्वेश्चन मैक्सिमम आपकी तरफ से पूछ सकते थे हमने पूछने की कोशिश की है। आज इनकी ट्रेनिंग का लास्ट दिन है, अब जाकर के ये जो है अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं बनारस में, और फिर हम कुछ समय के बाद जो है रिव्यू के लिए दोबारा एक वीडियो बनाएंगे, देखेंगे 4-6 महीने बाद कि इन्होंने कितना सीखा, कितना उसको फील्ड में अप्लाई किया और क्या जो है इन्होंने तरक्की की, क्या वास्तव में जो है पेस्ट कंट्रोल ट्रेनिंग होने के बाद जो है सक्सेस होती है कि नहीं होती है, कितने रिजल्ट आते हैं, और इसी के साथ समाप्ति की घोषणा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए और साथ में बोलिए जय महाकाल।